आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। रेलवे की प्रगति किस कदर हुई है ये हम आपको बता रहे हैं। लिमटी की लालटेन के 245वें एपिसोड में आज आपका स्वागत है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में आपको लिमटी की लालटेन का 245वां एपिसोड हम आपको दिखा रहे हैं। सिवनी का रेलवे स्टेशन, सिवनी के रेलवे स्टेशन का जो एक मुख्य द्वार यहाँ पर आपको दिख रहा है, कितनी विडंबना है कि सिवनी में सांसद जिनके संसदीय क्षेत्र का ये हिस्सा है, चूंकि रेलवे केंद्र का मामला है, इसलिए केंद्र के मामला होने के कारण रेलवे में क्या होगा, कैसा होगा, सिवनी के हित में क्या है, सिवनी के चुने हुए सांसद, दो सांसद हैं सिवनी के, और दोनों सांसदों का ये दायित्व है कि वे इस पूरे मामले में यहाँ क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, इस बारे में रेलवे को मार्गदर्शन दें। रेलवे का मुख्य द्वार जो बनाया गया था, जिस बिल्डिंग बनाई गई है, और बिल्डिंग से अगर आप इस तरफ जाते हैं तो ये कटंगी रोड की ओर का रास्ता है, यहाँ से अगर आप जाएंगे तो आगे कटंगी रोड है, और अगर ये इसके अलावा सिवनी का ये रेलवे स्टेशन हम आपको दिखा रहे हैं, रेलवे स्टेशन का ये भवन है, फुट ओवर ब्रिज पीछे आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा अगर यहाँ से आप जाते हैं तो ये छिंदवाड़ा नाके की ओर जाता है। ये पूरा हमने आपको नक्शा दिखाया। मुख्य द्वार के इस तरफ अगर आप आएंगे, ये मेन गेट सिवनी का रेलवे स्टेशन का मुख्य भवन, रेलवे स्टेशन भवन से अगर आप इस तरफ जाएंगे, दूर दूर तक आपको कहीं भी आबादी दिखाई नहीं देगी। पता नहीं किस तकनीक के तहत, किस आधार पर इसका मुख्य द्वार यहाँ बनाया गया है। और एक और आपको हम सबसे महत्वपूर्ण बात बताएं कि रेलवे का ट्रैक इस तरफ, इधर से अगर आप स्टेशन बिल्डिंग के पीछे जाएंगे तो रेलवे के ट्रैक है, और रेलवे के ट्रैक के ठीक पीछे अगर जाते हैं आप तो सिवनी पूरा शहर आबादी उस तरफ है। अगर किसी को आना है, रेलवे स्टेशन आना है, तो उसे वहां से घूमकर नागपुर नाके के बाद यहां से आना पड़ेगा। नागपुर नाके का अगर रेलवे फाटक बंद है तो इस प्रवेश द्वार तक व्यक्ति कैसे पहुंचेगा, जब तक तो उसकी ट्रेन ही छूट जाएगी। इस बारे में सिवनी के जो पूर्व सांसद थे बोध सिंह भगत, उन्हें ध्यान देना चाहिए था। वर्तमान सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, जो 2009 में चुनाव जो जीते हैं, 2010, 2011, 2012, 3 साल हो गए, और ये रेलवे स्टेशन का भवन लगभग 2.5-3 साल के बीच में ही बना। ऊपर आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन का ये मुख्य भवन आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये अगर आप इधर जाते हैं तो ये नागपुर, इस तरफ अगर आप जाएंगे तो सिवनी, और इस तरफ अगर आप जाएंगे तो नागपुर, और आप अगर इसके हमारे सामने की तरफ जाएंगे, सिवनी इस तरफ है और कटंगी इस तरफ है। सवाल यही है कि आखिर जब इसका काम चल रहा है और पिछले मेगा ब्लॉक लगे हुए लगभग 7 साल होने को आ रहे हैं, अभी तक आप देख सकते हैं ये सड़क का डामरीकरण भी अभी तक नहीं कराया गया है। इस रेलवे स्टेशन के आसपास अगर आप यहाँ देखें तो रेलवे स्टेशन के आसपास आपको कहीं पार्किंग कहाँ होगी, इस रेलवे स्टेशन की पार्किंग कहाँ होगी, ये भी नहीं बताया जा रहा है। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि अगर ये सारी चीज़ें सिवनी के नागरिकों के लिए बनाई जा रही है तो कम से कम सिवनी के लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि उनके लिए क्या हो रहा है। सिवनी के लोगों के लिए अगर ये रेलवे स्टेशन बना है, सिवनी के लोगों को ये पता होना चाहिए कि रेलवे स्टेशन में पार्किंग कहाँ होगी। अगर कोई व्यक्ति यहाँ आता है, बारिश के समय आता है, तो वो यहाँ कोई शेड नहीं है। ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ ऊपर अगर आप देखेंगे तो कहीं कोई शेड नज़र नहीं आएगा। अगर आप अपने वाहन से आते हैं, कार से आते हैं, तो आप यहाँ गीले होंगे, और अगर आप यहाँ इस रैंप से ऊपर जाते हैं, ये रैंप बना हुआ, तो भी आप यहाँ से वहाँ तक या तो धूप या बरसात में यहाँ से वहाँ तक गीले होंगे। पता नहीं कौन सी तकनीक अपनाई जा रही है। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, वे
भी जनता के सवालों के जवाब नहीं देना चाहते हैं, जबकि जनता के द्वारा उन्हें जनादेश दिया गया है। ये उनका नैतिक दायित्व है कि वे सबसे पहले जनता के मन में जो बातें घूमन रही हैं उन बातों को लेकर रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठें और कम से कम एक पत्रकार वार्ता का आयोजन जरूर करें। कटंगी नाके से नागपुर नाके तक ये लगभग 500-600 मीटर सड़क है। 500-600 मीटर सड़क बनाने में अधिक से अधिक दो महीने भी बहुत हो गए, पर ये सड़क जब से बन रही है तो इस सड़क का निर्माण होते होते 1, 2 और 3 साल बीत गए हैं। क्या सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन इस बात टू द पॉइंट जो भी चीजें हैं, यहाँ जो भी चीजें हो रही हैं रेलवे के द्वारा गफलत की जा रही है, वो टू द पॉइंट कि सड़क नहीं बन पा रही है, यहाँ पर शेड नहीं लगा हुआ है, पार्किंग कहाँ होगी ये जनता को नहीं बताया जा रहा है, यहाँ रेलगाड़ी आरंभ कब होगी ये बात, ये सारी बातें क्या लोकसभा जो सक्षम मंच है उस पर डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन उठाएंगे? रेल मंत्री से क्या वो ये बात कहेंगे कि सिवनी की जनता का दबाव उनके ऊपर है कि यहाँ पर ट्रैक तैयार है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बहुत विलंब से चल रहा है और सिवनी में जो भी तकनीकी अमला काम कर रहा है वो तकनीकी अमला सिवनी को अंतिम मैदान पर रखा हुआ है। इसका आधार, ठोस आधार ये है कि यहाँ जो भी काम हो रहे हैं वो काम इतने मंथर गति से और इतने गुणवत्ता विहीन हो रहे हैं। हमने आपको लगातार ही रेलवे के संबंध में लगभग ये मान के चलें कि 40 से 50 एपिसोड दिखाए हैं जिसमें हमने हर बार बताया है कि गुणवत्ता किस तरह की रखी जा रही है। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन का दायित्व है, उन्हें जनादेश मिला है, उन्हें प्रश्न करना पड़ेगा, उन्हें पूछना पड़ेगा, अन्यथा सिवनी की जनता जिस जनता ने उन्हें वोट दिया है, जिस जनता के जनादेश के चलते वे संसद की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, जिस जनता के जनादेश के कारण वे सांसद हैं और सांसद बने रहने के साथ में सांसद के रूप में जो भी सुविधाएं मिल रही हैं उसका वे उपभोग कर रहे हैं, उस आधार पर उन्हें रेल मंत्री को खतों खिताब से कुछ नहीं होने वाला, चिट्ठियां लिखने से कुछ नहीं होने वाला। चिट्ठी लिखी गई थी 28-29 ट्रेन के लिए, क्या हुआ 28-29 ट्रेन का, और उसमें एक पेंच वैली एक्सप्रेस का जिक्र किया गया था, पेंच वैली एक्सप्रेस। संभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि पेंच वैली एक्सप्रेस छिंदवाड़ा से इंदौर चला करती थी, वो अब सौसर की ओर बढ़ा दी गई है। अब उस ट्रेन को सिवनी या बालाघाट या गोंदिया ले जाना असंभव है क्योंकि उस ट्रेन को आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। आपके पास डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, आपसे हम कह रहे हैं कि आपके पास अब पातालकोट एक्सप्रेस बची हुई है, इसके अलावा एक जो डेमू है वो भी सौसर की तरफ जा रही है। पातालकोट एक्सप्रेस को अगर छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ के द्वारा सौसर की तरफ मोड़ दिया गया तो आपके पास एक भी रेलगाड़ी सिवनी से, छिंदवाड़ा से जो चल रही है उनको सिवनी लाने के रास्ते बंद हो जाएंगे, क्योंकि जब वास्तव में छिंदवाड़ा से आगे सौसर की ओर, नागपुर की ओर वो ट्रेन्स बढ़ा दी गई हैं, उन ट्रेन्स को वहां से अब छिंदवाड़ा से सौसर की ओर जहां तक वो जा रही है वहां काटकर सिवनी लाना संभव नहीं है। दिन में सपने ना दिखाए जाएं, हकीकत जमीनी धरातल पर उतरा जाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन के 245वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन के देखना चाहते हैं, रोजाना दोपहर 2 बजे लिमटी की लालटेन का प्रसारण होता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ के चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। दोपहर 2 बजे रोजाना और रविवार को सुबह 7 बजे इसका प्रसारण किया जाता है। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही रेलवे कब रेल चलेगी इस बारे में भी
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस मुहिम को आगे आप भी बढ़ाएं। लिमटी की लालटेन का 246वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।